और दूसरा एक और बीमारी होता है सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस। ये तकरीबन ज़्यादातर ये और बच्चियों में पाया जाता है 15 साल से 25-30 साल की उम्र में, लेडीज़ को ज़्यादा होता है। इसमें तकलीफ क्या होता है कि चेहरे पर लाल लाल चकत्ते आ जाते हैं, अगर सनलाइट में गए तो कभी उसमें अब जलने लगता है चेहरा, लाल लाल चकत्ते जलने लगते हैं, बुखार आता है मरीजों को, जोड़ों में दर्द होता है, बाल गिरने लगते हैं, ये कई तरह की तकलीफें होते हैं सिस्टेमिक लूपस में। और ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कंपैरिजन में ज़्यादा ही तीव्र बीमारी होती है, यानी ज़्यादा डेंजरस है, ख़तरनाक उसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये तुरंत ही किडनी को अफेक्ट करता है, लंग्स को अफेक्ट करता है, ब्रेन को अफेक्ट करता है, हार्ट को अफेक्ट करता है, पेट को अफेक्ट कर देता है, कई चीज़ें करता है। तो हम इसको तुरंत जितना जल्दी से जल्दी हो उसको फाइंड आउट करते हैं, और जैसे ही मरीज आता है हम लोगों के पास तो देखते हैं कि फर्स्ट दिन ही हम लोग पूरा टेस्ट करके देखते हैं कि आज तक बीमारी किस किस आर्गन को कितना परसेंट नुकसान कर चुकी है, उसको फाइंड आउट करते हैं। डिटेल जांच से सब मालूम हो जाता है डॉक्टर को, उसके अनुसार हम लोग ट्रीटमेंट लिखते हैं, और ट्रीटमेंट लेने से काफ़ी हद तक अच्छा होता है। SLE के पेशेंट में एक और तकलीफ होता है कि कभी कभी इन लोगों को प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है, प्रेग्नेंट होते ही एबॉर्शन हो जाता है, प्रेगनेंसी होते ही एबॉर्शन हो जाता है, ये बीमारी की वजह से होता है। कभी कभी बहुत से पेशेंट हम लोगों को गायनिक डिपार्टमेंट से रिफ़र होकर आते हैं, गायनिक के डॉक्टर कभी कभी पेशेंट इसलिए रिफ़र करते हैं कि इनको 3 बार से 4 बार से एबॉर्शन होता जा रहा है, कहीं कोई SLE या ऑटो इम्यून प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी ठहर नहीं रही है, वो हम लोग पता करके उस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। और एक और बीमारी हमारे रूमेटोलॉजिस्ट में है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये बीमारी तक मेल में ज़्यादा होता है, तकरीबन आदमियों में यानी बच्चों में 15 साल से 30-35 साल के लड़कों में ये तकलीफ़ ज़्यादा पाई जाती है। इसमें कंप्लेन क्या होता है, इसमें तकलीफ़ क्या होता है कि बच्चे सडनली बताएंगे कि कमर में दर्द हो रहा है, नेक में दर्द हो रहा है, और रात में सोते समय दर्द बहुत हो रहा है, रात में करवट नहीं ले पाते, इधर उधर करने में बहुत तकलीफ होती है, ये सब सिम्टम है बीमारी का। ऐसा अगर कोई मरीज बोलता है तो तुरंत डॉक्टर को डाउट हो जाता है कि हाँ इसको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या उससे रिलेटेड कोई ना कोई बीमारी है। हम लोग पेशेंट का सिम्टम सुन करके और उस बीमारी से रिलेटेड जो भी जाँच होता है, खून का जाँच है, एक्सरे है, MRI है, या जो भी जैसा सिम्टम रहता है उसको डिटेल इन्वेस्टिगेशन करके और हम आइडेंटिफाई करते हैं, हम बीमारी को डायग्नोस करते हैं। डायग्नोसिस के बाद उस बीमारी का क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस जो फॉलो करते हैं, हम लोग उसी गाइडलाइन को फॉलो करके मरीज़ को ट्रीट करते हैं। एक और बीमारी है जो कि बहुत कॉमन आता है, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, यानी ये बीमारी एज से रिलेटेड रहता है और जनरली घुटने में दर्द होता है। मरीजों का यही कंप्लेन होता है कि चलते वक्त घुटने में दर्द होता है, नीचे से बैठ कर उठने में बहुत मुश्किल होती है, सीढ़ियाँ चढ़ना या उतरना बहुत मुश्किल होता है। इस तरह की बीमारी इसको एज रिलेटेड बीमारी हम लोग बोल सकते हैं। कभी कभी वज़न से भी इसमें घुटने में दर्द हो जाता है, तो हम लोग पता करते हैं कि इनका वेट की वजह से है या एज की वजह से, वो आइडेंटिफाई करते हैं। ज़रूरत हुआ तो घुटनों का एक्सरे लेते हैं, गर्दन का भी एक्सरे लेते हैं, शोल्डर का भी एक्सरे लेते हैं, कमर का भी, जैसा तकलीफ बताता है। यानी ये इस तरह की जो बीमारियां होती हैं ये बेसिकली एज से रिलेटेड डीजनरेटिव होता है, यानी हमारे जो जोड़ों के बीच में जो लुब्रिकेंट रहता है वो धीरे 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 35-40 साल के बाद कमी होने लगता है। हालांकि हम अपने को 35-40 साल के बाद बूढ़ा नहीं महसूस करते, लेकिन जो अंदरूनी चेंजेज होता है उसको मानना पड़ता है। किसी किसी को उससे पहले भी आ जाता है, किसी किसी को 50-60 साल में आता है, वो कहना मुश्किल है। हर आदमी का शरीर अलग अलग है, हर आदमी के शरीर का अलग अलग जीन स्ट्रक्चर है, और हर चीज़ हर फंक्शन फिजियोलॉजिकल फंक्शन सबका अलग अलग है। इस तरह के जोड़ों को हम लोग, और एक बीमारी होती है बच्चों का आर्थराइटिस, हम बच्चों के आर्थराइटिस में जनरली बच्चों को बुखार आता है, महीनों महीनों दो दो महीने तीन तीन महीने बुखार आता ही रहता है, डायग्नोस नहीं हो पाता, पीडियाट्रिशियन भी बेचारे परेशान हो जाते हैं, एंटीबायोटिक देकर चेंज करके।
इस तरह की बीमारी हमारे इस तरह की बीमारी इस तरह के सिम्टम के पेशेंट हम लोगों के पास आते हैं, बहुत आते हैं। और हमारे रूमेटोलॉजी में दो डिजीज़ होती है जो बच्चों में बहुत कॉमन होता है, बेसिकली दो टाइप के, एक तो जुवेनाइल आर्थराइटिस होता है, एक सिस्टेमिक आंसेट जुवेनाइल आर्थराइटिस बोल सकते हैं, सिस्टेमिक आंसेट जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस। सिस्टेमिक आंसेट मतलब इसमें मरीज को शुरुआत में बुखार ही आता है, 2-3 महीने तक डायग्नोस ही नहीं हो पाता, बच्चा दिन भर खेलता है 2-3 घंटे के लिए बहुत ज़्यादा बुखार आ जाता है, 100, 200, 300, 400 तक चला जाता है। ये सब बहुत क्लासिकल सिम्टम है, हम सारे रूमेटोलॉजिस्ट को ये सब मालूम रहते हैं क्योंकि हम लोग उसी स्पेशलिटी के डॉक्टर हैं। तो पेशेंट जैसे ही आता हम लोग तुरंत 1 या 2 डेज में उसको डायग्नोस करके मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं। और भी बहुत तरह के तकलीफें हैं, शोल्डर का पेन, एंकल ज्वाइंट पेन, आजकल हमारे हम लोग अपने क्लिनिक में देखते हैं कि एड़ियों में दर्द होने लगता है बहुत से, सवेरे सोकर पहला कदम रखें तो पेशेंट को दर्द ही दर्द होता है, चलना मुश्किल होता है, डर जाते हैं कदम रखने में, यानी एड़ी के नीचे थोड़ा थोड़ा बोन बढ़ने लगता है। तकरीबन ये भी एज से रिलेटेड है बट किसी को भी हो सकता है, डायबिटीज़ है या हाई यूरिक एसिड है, थायराइड है या वेट है, इस तरह के मरीजों में एड़ी का पेन होने का ज़्यादा चांस रहता है। एंकल में भी दर्द होने लगता है कभी कभी वेट से, कभी कभी डायबिटीज़ या थायराइड जो बीमारियाँ, इससे हमारे एंकल ज्वाइंट में कुछ फैट जमा होने लगते हैं टेंडन के ऊपर, वो टेंडन को डैमेज कर देते हैं, हमारा जो फुट का जो आर्क उसका जो कर्वेचर है वो ख़राब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, उससे जो उसका कर्वेचर लॉस हो जाता है उसकी वजह से भी बहुत पेन होता है एड़ी में। वैसे अंगुलियों का कभी कभी हम लोगों के पेशेंट आते हैं कि ये जो लास्ट वाली अंगुली में पेन और सूजन लेकर के आते हैं, ये कोई खास बीमारी नहीं होती, ये जनरली एज रिलेटेड रहता है, इसका कोई डेंजर भी नहीं है इस बीमारी से, कोई मेजर मेडिसिन भी नहीं रहता। हाँ, जब दर्द और सूजन रहता है तो हम लोग उसको मेडिसिन देते हैं, नहीं तो पेशेंट को एश्योर करते हैं, उनको काउंसलिंग करते हैं कि ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है और एज रिलेटेड चेंजेस है, कुछ दिन में ठीक हो जाता है। बहुत से जो एजिंग वाले प्रॉब्लम है, एज रिलेटेड बीमारियाँ हैं, वो बॉडी कुछ दिन में ऑटोमेटिक सेट कर लेता है, 2 साल 3 साल 4 साल में कुछ बॉडी में चेंजेज ऐसे आते हैं जो कि दर्द कम हो जाता है, पेशेंट भी उसको भूल जाता है। अगर आपको आप लोगों को लगता है कि जैसा अभी हम बात किए उस तरह की बीमारी आपको या आपके घर में या आपके पड़ोस को या आपके सगे संबंधी को है किसी को, तो इधर उधर टाइम गंवाने से अच्छा है आप रूमेटोलॉजिस्ट को मिलिए। मैं भी एक सिटी का रूमेटोलॉजिस्ट हूँ, आप चाहें तो मेरा सर्विस ले सकते हैं, मेरा सेवा ले सकते हैं, हमको खुशी होगी अगर आप हमारे सर्विस लेते हैं। तो मेरा एड्रेस है एडवांस रूमेटोलॉजी सेंटर, एर्रा मंजिल बस स्टॉप के पास है, और जो मेट्रो पिलर नंबर है 1A1143 के जस्ट पास में ही है एडवांस रूमेटोलॉजी सेंटर।